आखिरकार मोहम्मद रफी का नाम कैसे हुआ, आखिरकार मोहम्मद रफी को ख्याति कैसे मिली, आइए अब जानते हैं। नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा 1946 में आई हुई फिल्म अनमोल घड़ी से रफी को प्रथम बार हिंदी जगत में ख्याति मिली। इनके बाद शहीद, मेला, दुलारी में भी रफी ने गाने गाए जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फिल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होंने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते हुए देखकर अपना मन बदल लिया था और रफी साहब से गाने को कहा। बैजू बावरा के गानों ने रफी साहब को मुख्यधारा गायक के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद नौशाद ने रफी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को उनकी आवाज पसंद आई और उन्होंने भी रफी साहब को गाने गवाना आरंभ किया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज पसंद करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की डिमांड बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफी साहब का प्रयोग किया, यहाँ तक कि कई बार राज कपूर के लिए रफी साहब ने गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव वर्मन तथा उल्लेखनीय रूप से ओपी नैयर को रफी की आवाज बहुत रास आई। उन्होंने रफी से गाने गवाने आरंभ किए। ओपी नैयर का नाम इसमें इसलिए रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने निराले अंदाज में रफी और आशा की जोड़ी का प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती हैं। उनके निर्देशन में गाए हुए गानों से रफी को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलील चौधरी इत्यादि संगीतकारों के पहली पसंद रफी साहब बन गए। दिलीप कुमार, भारत भूषण तथा देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गानों के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वाले कलाकारों की सूची बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफी की आवाज पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफी साहब की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने हर गाने में रफी साहब का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, पर आवाज रफी साहब की ही रही। चाहे मुझे कोई जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल, शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए लोकप्रिय गानों में से शामिल है। धीरे धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ती गई कि अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का आग्रह करने लगे। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र तो मानते ही नहीं थे कि कोई गायक उनके लिए गाना गाए। मोहम्मद शफी के गायन का सफर कुछ यूं रहा कि 1950 के दशक में शंकर जयकिशन, नौशाद और सचिन देव बर्मन ने रफी से उस समय बहुत ही लोकप्रिय गीत गवाए। यह सिलसिला 1960 के दशक में भी चलता रहा। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफी का इस्तेमाल 1960 के दशक में किया। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के शीर्षक गीत के लिए रफी साहब को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद घराना जो कि 1961 में आई, 1965 में काजल आई, दो बदन 1966 में आई तथा नीलकमल 1968 में आई, जैसे फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी ने यादगार नगमे दिए। 1961 में रफी साहब को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल की गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए मिला। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना आगाज ही रफी के स्वर में किया। 1963 में फिल्म पारस मणि के लिए बहुत सुंदर गीत गाए। इसमें सलामत रहो तथा वो जब याद आए लता मंगेशकर के साथ उल्लेखनीय है। 1965 में ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती के लिए गाए गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए रफी साहब को तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1965 में संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी द्वारा फिल्म जब जब फूल खिले के लिए संगीतबद्ध गीत परदेशियों से ना अखियां मिलाना लोकप्रिय के शीर्ष पर पहुंच गया था। 1966 में फिल्म सूरज के लिए गीत बहारों फूल बरसाओ बहुत फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि लोग इस गाने के दीवाने हो गए और इसके लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म ब्रह्मचारी के गीत दिल के झरोखों में तुझे बिठाकर के लिए उन्हें पांचवा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बात अगर मोहम्मद रफी साहब के व्यक्तिगत जीवन की करें तो मोहम्मद रफी एक बहुत ही समर्पित मुस्लिम
व्यसनों से दूर रहने वाले तथा शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आजादी के समय विभाजन के दौरान उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने बेगम विल्कस से शादी की और उनकी 7 संतानें हुई, 4 बेटे और 3 बेटियां। मोहम्मद रफी को उनके परमार्थों के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत ही हंसमुख और दरिया दिल इंसान थे तथा सबकी मदद हमेशा किया करते थे। कई फिल्मी गीत उन्होंने बिना पैसे लिए या बेहद कम पैसे लेकर गाए। अपने शुरुआती दिनों में संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस जोड़ी को लक्ष्मी प्यारे के नाम से भी जाना जाता था, उनके लिए इन्होंने बहुत कम पैसों में गाना गाया। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरिया दिली का एक सूचक है। उस समय लता जी का कहना था कि गाना गाने के बाद उन गानों से होने वाली आमदनी का एक अंश यानी रॉयल्टी गायकों तथा गायिकाओं को मिलना चाहिए, लेकिन रफी साहब इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक और गायिकाओं को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों महान कलाकारों के बीच मनमुटाव हो गया था, लेकिन कई वर्षों बाद फिर से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाना गाने साथ में चालू किए। तो दोस्तों, ये रही मोहम्मद रफी के जीवन से जुड़ी हुई बातें। खैर दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक, कॉमेंट और शेयर। मैं हूँ आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप कौन से शहर से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।